आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा वो मेरे। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब की लव स्टोरी में। हाँ। तो देखो यार, यूट्यूब की शादी हो रही है। अबे यूट्यूब की शादी मतलब यूट्यूब को भी बंदी मिल गई, तो तू क्यों सिंगल मर रहा है फिर? अबे भावसड़े के, मेरा मतलब है कि यूट्यूब के अंदर कुछ ऐसे मायावी चमकादार है जो एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी सुर से लेके एंड तक की लव स्टोरी बताई जाएगी। तो आइए पहले मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ, तो इससे मिलिए। नमस्कार दोस्तों। अबे पागल है, इस वीडियो में भी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भी गाली और अनलाइक करवानी है क्या? हाँ, हाँ तो ये है पायल जोन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पायल जोनी टट्टी जोन, चप्पल जोन, लसन, तो इसके अलग अलग नाम है, आपको जो पसंद आया आप वो बुला सकते हो। अब इससे मिलिए। ये अफ्रीका के जंगल से भाग कर आया नाली के कीड़े के पेट के अंदर का भी कीड़ा, और ये है उसका साथी जो है कुत्ते का पूछ जो हमेशा टेढ़ी रहती है। हाँ तो ये दोनों एक ही नाली में रहते हैं। और ये है आखिरी सदस्य, ये है हमारे नहीं अच्छा हाँ हाँ हमारे नहीं, ये है कश्मीर का चिलगोजा। तो इसकी हरकतों की वजह से इसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए ये आजकल नाव में घूम रहा है और वहीं अपनी बकचोद वीडियो पहलता है। मैं सोचता हूँ अगर ये बाहर है तो फिर साला कोरोना का क्या हाल होगा, क्योंकि ये दोस्त से भी खतरनाक है। You are right, bro. तो हाँ, ये बात तो पक्का है कि ये सभी के सब इंसान की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी के लसन है। तो सवाल ये है कि ये लोग कहाँ से आए हैं मेरे सूत्रों के हवाले से? हाँ तो मैंने टट्टी जोन के गुप्त सूत्रों को किडनैप करके पता लगा ही लिया कि ये सब ब्लैक होल से आए हैं। क्या बोला तूने? हाँ सही सुना आपने, ब्लैक होल। अबे छिजी छिजी, ये क्या बोल रहा है? अबे वो स्पेस वाला ब्लैक होल, तू क्या समझ रहा है? हाँ हाँ फिर ठीक है। साले पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, कहीं तू भी उनकी कैटेगरी में तो नहीं जा रहा? अबे मैंने वो गलती से उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। साले निठल्ले। तो ये सब ब्लैक होल से इंडिया में अपने मकसद के लिए आए, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये सबको अपने जैसा बना सके। पर आपने वो तो सुना ही होगा, हर समस्या का समाधान है। तो इन चिलगोजों को रोकने के लिए और आप सबको इनसे बचाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे रोस्टर है जो इनकी अच्छे से खोल के लेते हैं, जिनके कारण इनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने अब नया आइडिया लगाया है, तो अब इन्होंने एक नया आइडिया बनाया जिसमें दीपक कलार और डीजे मिनल की शादी करने वाले, जिसमें इन्होंने कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान और धीरू मोंचिक को इन्वाइट भी करा, ताकि उन्हें अपने झांसे में फंसा के इस देश को अपने जैसा बना सके। तो इस वीडियो में आपको पूरी शुरू से एंड तक की लव स्टोरी बता रहेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। साले कितना टाइम वेस्ट कर दिया तूने, पहले नहीं बता सकता था? अब तू बकवास कर शुरू करने दे मुझे, चल तो आओ यार शुरू किया जाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रोस्ट फैमिली। तो मिस किया आप लोगों ने मुझे? हाँ हाँ, आज तो बड़ा याद करोगे, लव स्टोरी जो जाननी है तुम्हें। तो देखो यार, मैं आपको शुरू से लेके एंड तक की लव स्टोरी बताता हूँ। तो देखो यार, ये कहानी शुरू होती है टट्टी जोन से। तो ये टट्टी जोन यूट्यूब में हक हक के बड़ी हुई, और अब ये इतनी बड़ी हो गई कि अब इनकी शादी की उम्र भी होने लगी। हाँ। पर इसकी ये टट्टी जैसी शक्ल देखकर और इसकी ये चूतिया पा वाली हरकत देखकर इसको कोई भी लड़का नहीं मिला, और दूसरी तरफ ये कीड़ा भी अपने नाली से बाहर निकल कर किसी कीड़े की तलाश में निकल पड़ा। इस कीड़े को ये दिखी, बस फिर क्या था, ये सुनते ही कीड़े का दिल कीड़े पे आ चुका, और इस कीड़े के दिल में भी हलचल होने लगी। नमस्कार गाइस, चुप। आज मैं कहना चाहता हूँ कि पालजों और मेरे सगाई होने वाला है। वैसे जोड़ी तो क्या अच्छी लग रही है, दोनों ने अपने मुंह खोल रखे हैं, लगता है इनको कुछ चाहिए। एक मिनट, पर ऐसे मुंह तो वो भी खोलती है ना मिया। नहीं नहीं भाई, ऐसा जुर्म मत कर यार, तुम्हारी शादी में रोड पे घूमने वाले हमारा कुत्ता ना आए तो हम तो फिर भी इंसान है यार। इससे बड़े तो यार हम लोग घर में रहकर बैगन और करेला खा लेंगे, पर लेकिन तुम्हारी शादी में आके गोबर नहीं खाना। You are right, bro. मेरे और पाई जोन की शादी में बहुत बड़ा धूमधाम से शादी होना हो जाएगा। नहीं, कहना क्या चाहता, हमारी सगाई में धूमधाम शादी होगी, क्या मतलब है इसका? पहले तो डिसाइड तो कर ले, शादी करेगा या सगाई, ये डायरेक्ट स्वागत बना लेगा। हाँ। और मैंने तो पिछली वीडियो में बोला था ना, कच्छू का नशा करना छोड़ दे। नहीं, पर इसे पता नहीं कच्छों में क्या मजा आता है। अबे तू भी करके देख ले, पता लग जाएगा फिर। हाँ तेरे रिश्तेदारों से कराऊंगा कच्छों का नशा। अबे तेरे दिल में बहुत जोर से हार्ट अटैक आ गया, वो तूने कुछ और पकड़ रखा है। अच्छा, तभी मैं सोचू दिल लंबा कब सोने लग गया। हाँ तो इस कीड़े ने टट्टी जोन को अपनी फीलिंग बताई, पर आपको तो पता है यार, टट्टी जोन पैसों की भूखी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसने इस कीड़े का प्रपोजल
ठुकरा दिया और फिर टट्टी जोन ने टेक्नो गेमर को फंसाने की कोशिश करी। पर हमारे टेक्नो गेमर भी बहुत चलाक थे, इन्होंने सीधा ड्रॉप से AWM उठा के टट्टी जोन के सीधा मट्ठे में पट के हेडशॉट खेल खलास। तो टट्टी जोन से सहन नहीं करा, फिर उसने ये वाली वीडियो निकाली। ये वीडियो बना के इसने बहुत पैसे छापे, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके व्यूज करने लग गए और उसके पास पैसों की कमी होने लग गई। फिर इसने हमारे टिकट इंसान पे काली नजर डाली। लेकिन हमारे टिकट भाई भी किसी हीरो से कम नहीं है, उन्होंने भी कह दिया टट्टी गो गो टट्टी निकल यहाँ से, इस दुनिया से भाग जा टट्टी। फिर ये बेइज्जती सहन होने के बाद पहले जो ने जैसे टेक्नो गेमर के ऊपर वीडियो निकाल दी, फिर उसके बाद इन्होंने टिकट इंसान के ऊपर भी वीडियो निकाल दी। तो इन सब के बाद भी इसका मन नहीं भरा, तो इसने फिर वो कीड़े के दोस्त भरवासुर को अपने जाल में फंसाया और टिकट भाई से बदला लेने को कहा। हेलो, मैं त्रिगान इंसान का बीबी बोल रहा हूँ। देखो त्रिगान इंसान का बच्चा मेरा पेट में दिन का दिन बड़ा हो जा रहा है। नहीं, तूने अपने पेट में सूअर का बच्चा डाल लगा है, जैसी तेरी शकल है मुझे तो सूअर का बच्चा ही लग रहा है। त्रिगान इंसान को भूत में मिस कर रहा हूँ। त्रिगान इंसान प्लीज तुम आ जाओ, आपको जो कुछ चाहिए मैं देंगे आपको। अरे तुम मेरे को बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। नहीं, तेरे पास कोई एक सेकंड खड़ा ना होना चाहिए, जब भी कोई एक किलोमीटर दूर से तुझे देख लेना, वो भी फिर वो रास्ता बदल लेता है, उस रोड में फिर वो कभी नहीं जाता। हाँ नहीं, ये क्या है, क्या होलिया बना रखा तूने अपना, सर पे तूने अपने घोड़े के पूछ के बाल लगा रखे हैं। पर ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। मैं तो भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि अच्छा हुआ तेरी शकल देखने के लिए नहीं मिली है। जिस दिन तेरी शकल देख ली ना, उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और रोज रोज ये वाली मैक्सी पहनने का साल है। सच्ची मैक्सी तो भूतों के पास होती है, उनकी भी मैक्सी चमक रही होती है तेरे से ज्यादा, क्योंकि वो भी घड़ी साबुन से धोते हैं अपनी मैक्सी। हाँ। देख के लग रहा था तो खुद को ही नहीं धोता होगा, तो कपड़े तो दूर की बात है। तेरे शरीर में खुजली बुजली नहीं होती क्या? ओ, मैं भूल गया था, आदम घोरों में खुजली कहाँ होती है। You are right, bro. इसके पेट में तो बच्चा था, वो कहाँ चले गया? साले कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी में जा रखा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि टिकट इंसान का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर सवाल ये होता है कि इसका बाप है कौन। अबे भौजड़ी के कहीं तू ही तो नहीं है। अबे साले मैं मानता हूँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, पर कम से कम इससे कंपेयर तो मत कर, इससे तो लाख गुना ही अच्छी है। कहीं इसका बाप टट्टी जोन तो नहीं है। तो अब अपने मेन मुद्दे में आते हैं, जो कि है जी पक्कलार और डीजे मिलर की शादी। तो आइए ले चले तुम्हें दो गांडुओं की शादी में। दुनिया पे बहुत सारा मर्द देखे हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा मर्द है वो है दीपक कलाल। हाँ रुको, इसका सच्चा मर्द देखो कैसा है। ये तो टट्टी है। कसम से ये सीन देख के मेरा जहर खाने का मन हो रहा है। अबे तो खा लेना, छुटकारा तो मिलेगा तेरे से। हाँ तो अभी शांत रहे, पहले स्टोरी बताने दे, फिर बाद में बात करेंगे इस चीज की। हाँ तो ये से कहाँ से मर्द लग रहा है? मर्द तो छोड़ो, मुझे तो लेडीज भी नहीं लग रहा। ये तो पता नहीं कुछ अलग ही कैटेगरी का है, पता नहीं कौन सी। ये खूबसूरत कश्मीरी नौजवान, ये हट्टा खट्टा मस्तानदा जवान। ये कहाँ से जवान है, साला बुढ़ा हो गया इतना अधेड़ उम्र का। जवान वाली हरकत है इसकी, कोई इंसान की शक्ल से ही पता लग जाता है कि वो इंसान है या बुढ़ा। और अगर जवान ऐसे ही होते ना, तो यार भगवान मुझे कभी जवान मत बनाना, मुझे ऐसे ही रखो जैसा मैं हूँ। मर्दानगी चखना चाहता है या फिर कुछ और? नहीं, जिस हिसाब से तेरी शक्ल है ना, मुझे लगता है तो वो चीज चखना चाहता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मैं और दीपक कलाल शादी करके तीन चक पूजा जैसा बच्चा, दो चार बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। ए भगवान, अब कितने बुरे दिन आ गए। पहले ये कोरोना और ये सब, ये इतने सारे यूट्यूब में आए हुए चमगादड़ कम थे, जो अब ये ढिंचक जैसे तीन चार बच्चे पैदा करेंगे। नहीं, ढिंचक पूजा होता तो हम तब भी झेल लेते हैं, लेकिन अगर इनकी ढिंचक पूजा हो गए तो उन्होंने बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। अगर गलती से भी इन दोनों के बीच संबंध बन गए तो यार पता नहीं क्या अलग ही जनरेशन पैदा होगी फिर तो। फिर हम सब का ही फ्यूचर खराब होगा, कि हमें ऐसे दरिंदों को झेलना पड़ेगा। ए बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। हमारी शादी में धीरू मोंचक। अबे यार वो धीरू मोंचक नहीं, धीरू मोंचिक। धीरू मोंचक चिक चाक चिक 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 चाक चाक चाक। अबे यार इसकी बहन की। लव यू फ्रॉम द टर्मिनल फ्रॉम अफ्रीका। यार कोई इनके मुंह में डंडा घुसाओ, इनका मुंह बंद कराओ। ये पुच्चू 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 क्या होता है? पुच्चू 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 पिएगा तू बच्चे का सुसु। ये बढ़िया था गुरु। तो इस कीड़े ने अपना ऑफर रखा है, अब देखते हैं हमारे कश्मीर के चिलगुजी का क्या हाल है, वो क्या रिप्लाई देता है। बहुत खुश हूँ,
जब हम दोनों का ये शादा होगा, क्योंकि तुम अफ्रीका के जंगल की क्वीन हो और मैं कश्मीर का एक हट्टा कट्टा जवान मुश्तंडा। पहली बात, ये जो तेरी ये कश्मीर की क्यों नहीं एक पिन है जो कि मेरी चप्पल के नीचे फंस गई है और मुझे बार बार चुभ रही है, और मैं अब इस पिन को मोर मार के साले इधर इतनी दूर फेंका हुआ ना, मिलेगा नहीं कभी भी फिर। और तू कश्मीर का मुश्तंडा नहीं, तू कश्मीर का कटोरा है, वो भी जो डस्टबिन में पड़ा हुआ होता है। और तूने गलतफहमी कहां से मान ली कि तू हट्टा गड्ढा मुस्टंडा है। मैं पीछे वाले भाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चप्पू इसके एक सर में मारो। ये भूल गया है कि एक अधेड़ उम्र का हो चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। तो जितने भी यूट्यूबर है उनको मैं ये शादी में इनवाइट करूंगा। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, फिर तो मैं यही कहूँगा कि यार तुम दोनों को शादी मुबारक हो, पर यार इतने कहूँगा कि बच्चे बच्चे मत करना। लव यू डीजे मृणाल, दीपक फ्रॉम कश्मीर। माँ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। चाचा 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 यार निकल भोसड़ी के, हमें सारी दुनिया से जरूरत भी नहीं है तेरी, निकल यहाँ से। मैं तो कब से ही चाह रहा था, कब बोला गया टाटा। तो इन्होंने अपने झांसे में फंसाने के लिए सभी यूट्यूबर को बुलाया था, लेकिन 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 हम सब रोस्टरों ने सब यूट्यूबर को बचा लिया है। देखिए प्रूफ। तो इनका ये वाला प्लान भी बिल्कुल टट्टी की तरह एकदम फ्लैश हो गया। तो बोलो जय हो रोस्टर, जय हो रोस्टरों की जय हो। जय महाकाल, जय हो, जय हो। तो गाइस ही पागल हो चुका है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए जब तक मैं इसे संभालता हूँ। अबे हल में रुक जा, आज पूरा घर फोड़ देगा क्या। बल तेरा हाथों माँ मेहंदी वाली, मेरा हाथों शराब, मिली गे कोई दूसरो मेरे को पड़ी खराब।